गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल एंड इवन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके, हाँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ एंड फटाफट से विश्व अपने आप को अनम्यूट करो सो दैट वी कैन टॉक विथ ईच अदर। So, Vishwa, unmute कीजिए अपने आप को so that we would be able to talk with each other. Okay, are you there in a meeting? I really don't know कि आप meeting में हो कि नहीं. Okay, अगर Vishwa नहीं है तो Vaibhav, can we talk? Yes sir, good morning sir. Good morning. Vaibhav, मुझे ये बता, हमने कल क्या देखा था? जो हमने wave के लिए बात किया था, So what we have discussed yesterday, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ तेरे को। पहला क्वेश्चन ये है वैभव कि मुझे ये बता कि अगर हम वेव की बात कर रहे हैं तो अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे हैं उसका जो मैं एक इन जनरल तुझे बोलूँ कि इक्वेशन बना के दे मेरे को वेव का जो जेड एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है और उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में देख रहा है तो कॉस के टर्म्स में तो इसका इक्वेशन क्या बनाएगा वेव का इक्वेशन Z में ट्रैवल कर रहा है वेव एंड X जो है यानी कि जो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर है वो Y में देख रहा है आई एम आस्किंग टू एवरीवन लाइक वैभव आप रिपीट कीजिए ना आपकी आवाज थोड़ी कट रही है मैं ऐसा बोल रहा हूँ वैभव कि अगर कोई एक वेव हमारे पास है और अगर वो वेव Z डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो X की डायरेक्शन में देख रहा है तो इसका जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे वो कॉस के हार्मोनिक्स में मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ कॉस हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा वेव जो है वो जेड में आगे जा रहा है इन अ जेड डायरेक्शन बीटा जेड और आपका जो जो E है वो E X की तरफ Y की तरफ देख रहा है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे E equal to E not zero cos omega t omega t और सर X की डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिकल वेव जा रहा है इन अ Z डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड है इन अ Y डायरेक्शन वेव ट्रैवल कर रहा है इन अ पॉजिटिव साइड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो देख रहा है इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ओके रूपाली हाँ बोलिए बोलिए हाँ जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बी माइनस बीटा बीटा वाई ए कैप जेड ए जेड कैप आपने कुछ उल्टा नहीं बोला ओमेगा टी माइनस बीटा जो होता है बीटा के साथ हम क्या लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेव प्रोपोगेशन तो बताओ वेव किस तरफ जा रहा है मैंने क्या बताया वेव किस तरफ जा रहा है हाँ तो क्या लिखेंगे वहां पे माइनस बीटा जेड और ओके मैंने बोला वाई डायरेक्शन है तो उसके हिसाब से वो ए वाई कैप आएगा ठीक है चलिए गुड 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 नेक्स्ट रूपाली अनम्यूट कीजिए अपने आप को एंड अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ रूपाली आप अनम्यूट कर रहे हो ना हाँ तो रूपाली मुझे ये बताइए ये सेम इक्वेशन मुझे लिखना है फॉर एच फील्ड तो क्या बता पाओगे उसका इक्वेशन क्या होगा लिखिए मैं लिखवाता हूँ ई फील्ड का जो इक्वेशन है वो है ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए वाई कैप तो बताइए अभी एच का एक्सप्रेशन क्या होगा एच इज इक्वल टू माइनस एच नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स बोलिए क्या आप सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि जो एच कंपोनेंट होगा वो माइनस एक्स कैप में देखेगा
जो एच कंपोनेंट होगा, जो एच वेक्टर होगा, वो हमारा देखने वाले हैं इनटू माइनस ऑफ ए एक्स कैप डायरेक्शन। क्या बाकी सब लोग भी ये बात से सहमत हो रहे हो? चलो 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 चलो, अरे आप सब लोग उठो उठो उठो, चलो 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 चलो, दिमाग लगाना शुरू करो। गुड गुड गुड। धार्मिक, वैष्णवी, अभिषेक, एक्सीलेंट। नेक्स्ट धार्मिक, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे से बात कीजिए। सो धार्मिक, इफ यू टॉक अबाउट से वेव का प्रोपोगेशन, जब भी कोई वेव ट्रांसमिट होगा, जब भी कोई वेव जनरेट होगा, तो मुझे ये बताइए कि वो टाइम और स्पेस ये दोनों का फंक्शन होगा? धार्मिक, जब भी कोई एक वेव जनरेट होता है, तो ये जो वेव जनरेट होता है, क्या वो टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन होगा? यस। अब तक जो हम देख रहे थे, तो मुझे बताओ कि सपोज हमारा वेव जो है वो जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ क्या वहां पे जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होगा, क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट? क्या बता पाओगे क्या होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट मैथमेटिकल, उसका इक्वेशन क्या होता है? गामा। बिल्कुल, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज गामा। गामा क्या होता है बताओ बेटा सबको? अंडर रूट जे ओमेगा म्यू इनटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। गामा को और क्या बोलते हैं? इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे दो क्वांटिटी होता है, अल्फा प्लस जे बीटा, राइट? ओके, जील अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अगर हम इसी तरह बात कर रहे हैं अबाउट टाइम प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो वैसे एक और क्वांटिटी मैंने कल आपको बताया था, वो था हमारा से इंट्रिंसिक इंपेडेंस। सो जील मुझे ये बताइए, इंट्रिंसिक इंपेडेंस जो है वो एक तो होता क्या है, होता क्या है वो मैं बताऊंगा आज, बट वो किसका रेशियो है और उसका एक्सप्रेशन क्या है? जील, E by H, okay, उसका expression क्या है? Good, good, good. अब ये सब चीजें जो हमारे पास है, एक तो होता है velocity, phase velocity, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं omega upon beta. But अब जो सब कुछ चीज है वो ये है, मुझे बताओ कि alpha और beta क्या है? So अपूर्वी अनम्यूट कीजिए अपने आपको और मुझे बताइए alpha और beta क्या है बेटा in a propagation constant. ओके, बीटा जो है वो फेज कांस्टेंट है। तो अब किसी को भी इसके बारे में कुछ फीलिंग है क्या? अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है एंड फेज कांस्टेंट क्या होता है? ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कल हमने लास्ट में देखा था कि हमारा जो वेव है, अगर ये वेव प्रपोगेट हो रहा है इन अ फ्री स्पेस, अगर हमारा वेव जो है अगर वो प्रपोगेट हो रहा है इन अ फ्री स्पेस, और आई कैन कंसिडर कि अगर कोई वेव जो है अगर वो प्रपोगेट हो रहा है इन एयर, तो वहां पे बताओ मुझे क्या था? म्यू क्या हो जाएगा? म्यू म्यू नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, फ्री स्पेस का कंडक्टिविटी जीरो होता है तो सिग्मा जीरो हो जाएगा। तो वहां से हमको क्या क्या चीजें मालूम पड़ी थी? तो खुशी अनम्यूट कीजिए और बताइए मेरे को कि अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे गामा क्या होगा? सबसे पहली चीज, फॉर अ फ्री स्पेस गामा क्या होगा? प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट ठीक है। तो यहाँ से हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या अल्फा जीरो हो जाएगा? Yes. और बीटा हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Yes. तो अल्फा जीरो का ये मतलब, अल्फा जीरो यानी क्या होगा? अल्फा अल्फा क्या इंडिकेट करता है खुशी? हाँ, रियल पार्ट ऑफ लाइक गामा, बट द थिंग इज अल्फा का नाम क्या है? क्या हम उसको बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट? यस। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में, अगर वो जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि क्या वहां पे अटेन्यूएशन जीरो है? यस। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो अगर हम ये सब चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं या फिर रिकॉल कर रहे हैं, सो द थिंग इज अगर हम बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में, तो फॉर अ फ्री स्पेस, सुनना समझना ये बात, अगर मेरा वेव ट्रैवल कर रहा है, आई शुड स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, जब मेरा वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है इन अ फ्री स्पेस, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्री स्पेस में जब आपका वेव ट्रैवल करेगा वो अटेन्यूएट नहीं होगा। अटेन्यूएट का मतलब क्या होता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो एक्सपोनेंशियली नहीं घटेगा। क्या ये चीज मैंने आपको बताया था? अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड का ई कंपोनेंट और अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड के एच कंपोनेंट के बारे में, तो ये दोनों घटते हैं इन फ्री स्पेस बाय द फैक्टर ऑफ ई रेस टू माइनस अल्फा टी। क्या ये मैंने बताया था आपको? हमारा इक्वेशन ही यही बोल रहा है ना बेटा,
जो e का एक्सप्रेशन है वो यही बोल रहा है ना कि e जो होता है वो e क्या होता है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम एज वेल एज एयर, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम एज वेल एज एयर। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अबाउट मैं कहाँ था, मैं भूल गया मैं कहाँ था, अगर हम वेव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं तो अगर अटेन्यूएशन जीरो है, अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूँ गामा का, अगर मैं बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का, गामा का इक्वेशन है जे ओमेगा म्यू रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन। उसके बाद जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसका एक्सप्रेशन है रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन। तो मुझे बताइए कि ये प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज जो आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? देवेंद्र, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हाट डू यू फील, डिपेंडेंसी किसके ऊपर है दोनों का? ओके ओके, सो शाह इफ यू कैन आंसर। यस सर। हाँ, सीटा एंड द डेफिनेट म्यू है, सीटा एप्सिलॉन एंड सिग्मा, सिग्मा म्यू सिग्मा एज वेल म्यू सिग्मा conductivity as well as a frequency, obviously it is a function of omega। कि सबको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ गामा का, अगर मैं बात कर रहा हूँ intrinsic impedance का, ये सभी चीजें जो है वो mu, sigma and epsilon के साथ साथ आपका जो frequency of EH wave है इसके ऊपर depend करेगा। But अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो omega जो है आपका frequency of EH wave रहेगा, वो तो एक कुछ fixed quantity होगा, मगर अब वो एमिट हो रहा है, अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है तो बीच में अब क्या आएगा? बीच में क्या अलग 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 प्रॉपर्टी वाले मीडियम्स नहीं आएंगे? यहाँ पे किसी का म्यू अलग है, किसी का सिग्मा अलग है, किसी का एप्सिलॉन अलग है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं बात कर रहा हूँ गामा का, अगर मैं बात कर रहा हूँ ईटा का, यानी कि एफिशिएंसी का, ई बाई एच रेशियो, ये दोनों जो है इसका डिपेंडेंसी है आपका मटेरियल के ऊपर। जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो क्या है? म्यू एंड सिग्मा एंड कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा पैरामीटर है जो है ओमेगा, और वो आपका है पैरामीटर ऑफ वेव, जो वेव आप जनरेट करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज बाकी जो भी पैरामीटर आपको दिख रहा है म्यू सिग्मा एप्साइलॉन, ये सभी मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, क्या ये बात समझ पा रहे हो? आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है या तो फिर आपका ये आपका आपसे इंट्रिंसिक इंपीडेंस है, ये दोनों चीज जो है ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर? एप्सिलॉन म्यू एंड सिग्मा के ऊपर, अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देते हैं तो। राइट, सो शिवानी मेरे को ये बताओ कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, वेव प्रोपोगेशन के बारे में, तो जो हमने कल एग्जाम्पल देखा था वो तो हमारा फ्री स्पेस। जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फॉर फ्री स्पेस सिग्मा क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, और फ्री स्पेस सिग्मा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा फ्री स्पेस का? शिवानी, धैर्य, जीरो। जीरो, व्हाट वुड बी म्यू? म्यू नॉट। एप्सिलॉन? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब चीजें जब बात कर रहे हैं तो आपको ये बात कल ही मालूम पड़ जानी चाहिए थी कि गामा आएगा, वो गामा आएगा आपका वो मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर है जो आपको कल मिल रहा था जे ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस था वो आपको मिल रहा था 377 ओम, और टू बी मोर प्रिसाइज वो था आपका 120 पाई, वो था रेशियो ऑफ आपका रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये सब चीज करके हमको ये मालूम पड़ा था कि जब वेव आपका फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगा तो उसका स्पीड कितना होगा? लाइट का स्पीड होगा 3 × 10⁸। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? डॉक्टर बनना है डॉक्टर आपको है? हाँ, किसका? वेव्स का डॉक्टर बनना है। अगर वेव्स के बारे में आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर करने चाहिए कि ये वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये वेव किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, मटेरियल कौन सा है, ये सब कुछ आपको मालूम पड़ना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। मगर बोलिए क्या आपका साथ बना हुआ है मेरे साथ? क्या ये बात समझ पा रहे हो? प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अभी भी आवाज सभी लोगों की नहीं आ रही है, दो तीन लोग रिप्लाई कर रहा है, मेरे को बताओ क्या सबको ये बात समझ में आ रही है?
इंट्रिंसिक इम्पीडेंस एज वेल एज आपका जो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है, ये दोनों चीजें आपका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो हमने कल मटेरियल देखा था वो हमारा फ्री स्पेस था, जहां पे म्यू म्यू नॉट था, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा जीरो था, राइट। और जो आपका वेव का स्पीड होगा वो आपका होगा, वेव का स्पीड क्या होगा, ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा अपॉन बीटा। और ये चीज क्या था, कल मिला था हमको लाइट का वेलोसिटी। यानी कि समझ रहे हो, मुझे बताओ आपका जो फ्री स्पेस है क्या वो आइडियल है फॉर वेव प्रोपोगेशन, और वो नकामा है, वो बेकार है। अगर वेव प्रोपोगेट हो रहा है, अगर वेव प्रोपोगेट हो रहा है इनटू फ्री स्पेस, तो मुझे बताओ क्या वो अटेन्यूएट होगा। सबसे पहली चीज, क्या वो अटेन्यूएट होगा, क्या वो अटेन्यूएट होगा, अटेन्यूएट तो होने ही नहीं वाला है, अटेन्यूएट तो वो होने ही नहीं वाला है। बट अगर उसका स्पीड की बात करें, उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, आई कैन से मैक्सिमम, उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। वो भाग रहा है विद द लाइट का स्पीड, वो मैक्सिमम है भाई, इससे आगे और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो लिखिए ये सभी चीजों को, लिखिए आज का सबसे पहला पॉइंट लिखिए, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज इंट्रिंसिक इंपीडेंस, दे बोथ आर पैरामीटर्स ऑफ अ वेव which depends on material. As well as frequency of wave. Next point. But if frequency of a wave is fixed, it mainly depends on किसके ऊपर, it depends on material from which it is passing. Correct. Material from which it is passing from. चलिए इसका फीलिंग आ गया। हाँ बेटा, क्या हो रहा है बेटा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, एक तो बाकी सब लोग का मीटिंग में ही नहीं है, ये क्या है भाई, ये फ्राइडे क्लास रखने का तरीका है क्या, यानी ये फ्राइडे क्लास रखने का ये सजा दे रहे हो क्या मेरे को, क्या आपने क्लास क्यों रख दिया फ्राइडे को। हाँ चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं और मुझे बताओ कि हमने क्या नहीं देखा है, यानी कि हमने एक जो फील अब तक जो फील नहीं की है वो ये फील नहीं की है कि मैं मेरा वीडियो बंद कर रहा हूं और मेरा जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूं, तो काइंडली वहां पे ही आ जाइए डायरेक्टली। तो जो फील, जो चीज हमने अब तक फील नहीं किया है वो ये है कि जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। जो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है आपका गामा, वहां पे होता है अल्फा प्लस जे बीटा, वहां जो आपका बीटा है वो क्या इंडिकेट करेगा, वो मैं डेफिनेटली आपको दिखाने वाला हूं। बट अगर मैं बात कर रहा हूं अभी के लिए, अल्फा क्या होगा वो मालूम पड़ गया ना सबको। हाँ बेटा, अल्फा क्या होता है क्या वो मालूम पड़ गया सबको। हाँ, वो तो होता है आपका अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट। मगर जो बीटा है ना, बीटा मैं आपको दिखाऊंगा, बीटा अभी नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको वो दिखाऊंगा, मस्त दिखाऊंगा वो आपको। देखिए, अब यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अभी बात कर रहे हैं अबाउट द इंट्रिंसिक इंपीडेंस।
इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में। तो मैंने कल आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में, तो जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होगा क्या ये होगा मेरा रेशियो ऑफ ई बाई एच, क्या ये होगा मेरा रेशियो ऑफ ई बाई एच। हाँ सर, ये हमने कल ही देखा हुआ था और इसका एक्सप्रेशन भी कुछ आया था जब हम कल इसको सॉल्व कर रहे थे, तो फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू निकल के आया था 120 पाई, राइट। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग 377 ओम। बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, इसका जो यूनिट होगा वो ओम्स होगा। तो यहां से आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि इसका यूनिट ओम क्यों है, इसका यूनिट ओम क्यों है। तो चलिए, अगेन आई एम टर्निंग माई वीडियो ऑन, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। अब मैं ये समझा रहा हूं कि मुझे बताओ यहां पे जो पूरा वेव आपका जनरेट हो रहा है या पूरा आपका जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब भी आपका वेव जनरेट होगा या जब भी आपका वेव आपका ट्रांसमिट होगा, सोर्स सही है, मगर अगर मैं सोर्स की बात कर रहा हूं तो सोर्स भी हमारा कैसा है, क्या वो टाइम वेरिंग है? अगर मैं सोर्स की भी बात कर रहा हूं तो क्या वो टाइम वेरिंग है? बेटा वेव कब आएगा? वेव आपका तब आएगा जब आपके टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपका वेव क्या जनरेट होगा? अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या आपका वो जनरेट होने वाला है? नहीं, आपके जो एक्सप्रेशन है वो आपके टाइम कॉन्स्टेंट स्टेशनरी, यानी कि आपका जो मैक्सवेल के पहले चैप्टर में जो स्टैटिक फील्ड वाले इक्वेशंस थे वो लगेंगे, जो टाइम वेरिंग वाले इक्वेशंस है वो नहीं लगेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर आप लोग बात कर रहे हो वेव वर्क के बारे में, तो वेव जनरेट ही कब होगा? अगर आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है तब, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तब, राइट। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपका जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या जनरेट करेगा? मैंने कुछ बताया था आपको, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या जनरेट करेगा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या जनरेट करेगा? स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करेगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करेगा? स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी कि हमारा जो सोर्स है वो सोर्स टाइम का फंक्शन है, तो वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो वो चेंजेस की वजह से क्या होगा? आपका स्पेस वेरिंग यानी कि स्पेस में आगे बढ़ने वाला वेव आएगा। बोलिए हाँ कि ना? स्पेस में आगे बढ़ने वाला एक वेव आएगा, बिकॉज आपका जो सोर्स है वो खुद, बेटा मैंने सोर्स क्या लिया था जब मैंने पूरा डेरिवेशन किया मेरा ईएच वेव के एक्सप्रेशन का, तो मैंने सोर्स क्या लिया था? कोई बता पाएगा मेरे को मैंने सोर्स क्या लिया था? हाँ प्रत्युष, अगर आप मीटिंग में हो तो क्या बता पाओगे कि अगर मैं यहाँ पे सोर्स की बात कर रहा हूं, मैंने सोर्स क्या लिया था? ओके धात्री, अगर हम बात कर रहे हैं सोर्स के बारे में, तो सोर्स हमने क्या लिया था जब हमने डिराइव किया था ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव, वहां मैंने सोर्स क्या अज्यूम किया था? अरे और कौन कौन है? हाँ अभिषेक बताओ, अभिषेक लिंगे आप बताओ। टाइम वेरिंग हार्मोनिक फंक्शन और आइगन फंक्शन जो था मेरा ई नॉट इनटू ई रेस टू जे ओमेगा टी, और एच था मेरा एच नॉट ई रेस टू जे ओमेगा टी। बेटा याद है क्या? ये टाइम वेरिंग हमारे फील्ड थे। मेरी बात सुन रहे हो क्या बेटा? हाँ, यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका टाइम वेरिंग, वो आपका स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा। जो हमने सोर्स ऑलरेडी लिया था वो टाइम वेरिंग है, वो आपका आइगन फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस से हमको वही फंक्शन मिलेगा। बट ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपका कोई भी वेव आपका जनरेट हो रहा है, तो जब वेव आगे बढ़ेगा, तो वो वेव जब आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि आपका ई और एच जो है, क्या ये
क्या ये आई में से म्यूचुअली अपने म्यूचुअली एक दूसरे को जनरेट कर रहा है, यानी कि टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड वुड जनरेट स्पेस वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेक्टर है वो क्या है, ई नॉट ई एस टू जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो क्या ये टाइम का भी फंक्शन है और स्पेस का भी फंक्शन है? हाँ बेटा, जो वेव का हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो एक्सप्रेशन का टाइम का भी फंक्शन है और स्पेस का भी फंक्शन है। हाँ, तो क्या वो टाइम वेरिंग फील्ड है? अरे कल देखा नहीं हम लोगों ने, वो जो फील्ड है वो ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे कॉस चेंज हो रहा है, मे बी इन अ वर्टिकल प्लेन और इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या वो जनरेट करेगा एच को? बेटा मेरी बात समझ रहे हो क्या? आपका जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो जनरेट करेगा एच को, और जो टाइम वेरिंग एच है वो जनरेट करेगा ई को। तो जब मटेरियल में कोई भी मीडियम में आपका वेव प्रपोगेट हो रहा है तो क्या ये ई टू एच एंड एच टू ई ये कन्वर्जन होता ही रहेगा? ओ सोचिए, जब आपका वेव स्पेस में आगे जा रहा है, जब आपका वेव जो है अगर वो स्पेस में आगे जा रहा है तो जो वेव आपका स्पेस में आगे गया है क्या वो टाइम का फंक्शन नहीं है? हाँ सर, वो टाइम का फंक्शन है। अगर वो टाइम का फंक्शन है तो क्या वो समय के साथ चेंज होगा? हाँ सर, वो समय के साथ चेंज होगा। अगर वो समय के साथ चेंज हो रहा है तो बताइए क्या वो समय के साथ चेंज होता हुआ ई स्पेस वेयरिंग एच जनरेट नहीं करेगा? मैं अल्टीमेटली आपको ये बताना चाहता हूँ, लेट मी शेयर माई स्क्रीन ओवर हियर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये वेव है, बेटा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को एक बार बता दीजिएगा कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे आपको वेव दिखा रहा हूँ, बेटा फील कीजिएगा ये बात को। अगर मैं इसको ये बता रहा हूँ आपको कि सपोज ये मेरे पास ई एच वेव है, बराबर, तो मुझे बताओ क्या आपको दिख रहा है कि ये जो वेव है ये वेव आपका जेड में आगे बढ़ रहा है? हाँ, यही चीज मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वेव के बारे में, तो हमारा जो वेव है वो वेव आगे बढ़ रहा है इन अ वी डायरेक्शन। अगर वो वी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है विच मीन्स वॉट, वो किसका फंक्शन है? क्या वो स्पेस का फंक्शन नहीं है? यस सर, वो स्पेस का फंक्शन है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है। मगर साथ में क्या आपको ये नहीं दिखता है कि हाँ वो फ्लक्चुएट भी हो रहा है? उसके वेक्टर्स देखो, क्या उसके वेक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, अगर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये जो आपका एक साइकिल है क्या ये टाइम वेरिंग नहीं दिख रहा आपको? हाँ बेटा, हाँ ई क्रॉस एच जो है वो वी कैसे? यहाँ पे आई थिंक बेटा ये बनाया है ना जिसने, उसने गलती किया है बेटा। जो रेड है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो ब्लू है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना जय? इस पे मत जाओ बेटा, है ना, ये गलत है। हमारा जो है ई क्रॉस एच, अरे माय बाप ऐसा मत करो ना, ये गलत है बेटा। मुझे भी कल ये हुआ था कि गलत है, बट ठीक है ना, आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर रखो ये, है ना। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्या आप सबको यहाँ पे स्पेस वेयरिंग एज वेल एज टाइम वेयरिंग ये फील्ड आपको दिख रहा है क्या? हाँ, ये टाइम का भी फंक्शन है ना, समय के साथ इसके, देखो समय के साथ इसका जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर का जो स्ट्रेंथ है ना, वो चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ कि ये जो टाइम वेयरिंग, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या ये टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या ये आपका स्पेस वेयरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट नहीं करेगा? तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये आपका आगे का जो ई आएगा ना उसको धक्का देगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और जो ये आपका टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आगे स्पेस में आएगा एच को, इसको धक्का देगा या इसको जनरेट करेगा। हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको? हाँ ओ भाई, यहाँ पे आपका जो ई है, ये ई आपका एच जो है वो टाइम वेरिंग है, ई जो है वो टाइम वेरिंग है, और ये दोनों टाइम वेरिंग ई और एच जो है वो
आगे आने वाले जो भी हमारा होगा, आगे आने वाला जो भी हमारा ये होगा वेव फ्रंट, उसको धक्का देंगे। लाइक अगर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि हाँ आगे जो है ना ये पीछे आ रहे हैं सब, उससे उससे क्या हो रहा है, आगे वाले को धक्का मिल रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ, इट इज जस्ट लाइक रेलवे का बोगी, इट इज जस्ट लाइक रेलवे का बोगी। ये आपका इंजिन है, ये आपका इंजिन है, ये पहला डिब्बा है, ये सेकंड डिब्बा है, थर्ड डिब्बा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, जो पिछवाड़ा है, पिछवाड़ा यानी कि जो जो आपका गार्ड का डब्बा है, हम वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब हम वहां पे गार्ड के डब्बे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स यहां 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 यहां, क्या वो आगे 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 ट्रांसमिट नहीं होगा? और जब वो आगे 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 ट्रांसमिट होगा तो जो इंजन का डब्बा है, जो इंजन है, क्या उसको आगे धक्का नहीं लगेगा? हाँ, जो इंजन है, क्या इंजन को आगे धक्का नहीं लगेगा? क्या ये बात समझ पा रहे हो मेरे को, मेरे से? हाँ बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं ये बात समझो, क्योंकि यहां पे छुपा हुआ है ई और एच, जो ये जो ईटा है, जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस है ना, उसका मतलब। बेटा क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? हाँ, अगर मैं अगेन मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूं, मेरी बात सब लोग सुनिए और मुझे रिप्लाई कीजिए कि क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सपोज मेरे पास यहाँ पे मेरे पास सोर्स है, राइट? ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स, बेटा ये कहानी नहीं लग रहा ना आपको? ओ भाई बाप सब लोग, हाँ हाँ, दात्री, जुगनो, शिवानी, धैर्य, क्या बस समझ पा रहे हो हमें? हाँ देवेंद्र, स्नेहा, साक्षी, हरिथा, हाँ थोड़ा रिप्लाई करते रहो कि अगर मैं यहाँ पे एक सोर्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा सोर्स जो होगा वो ई भी होगा और एच भी होगा, बराबर? जो सोर्स हमारे पास है, जो ई और एच हमारे पास है, बताओ क्या वो टाइम वेरिंग है या फिक्स है? जो हमने सोर्स लिया है, जो हमारा ई और एच है, क्या ये टाइम वेरिंग है या तो फिर ये फिक्स है? ये टाइम वेरिंग है। अगर ये टाइम वेरिंग होगा तो अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या उसकी वजह से स्पेस में यहाँ पे दुम 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 करके आपका जो पहला आपका होगा ई और एच का कॉम्बिनेशन, क्या वो जनरेट होगा? अगर वो जनरेट होगा तो क्या हो रहा है, वो जनरेट होगा तो जो ऑलरेडी आगे जो गए हैं हमारे हाफ साइकल्स, उसके ऊपर धक्का लगेगा, उसके ऊपर धक्का लगेगा, और इसी तरह आपका वेव ना आगे बढ़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? इट इज समथिंग लाइक कि एक पुराना कन्वेयर बेल्ट है, अगर मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूं तो पूरा का पूरा एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर साबुन की टिकिया ऐसे आ रही है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ना साबुन की टिकिया ऐसे आ रही है बन बन के। तो सपोज एक टिकिया बन के आई, डुबुक डुब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ गई, बेल्ट जो है, बेल्ट नहीं है, बेल्ट स्टेशनरी है, आई कैन कंसीडर एक प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर वो टिकिया बन के आई, राइट? अब जैसे दूसरी टिकिया बन के आएगी तो क्या वो पहली टिकिया के ऊपर धक्का लगाएगी? अब जैसे एक के बाद एक वो साबुन की टिकिया निकल के आ रही है, सो डू यू थिंक कि जो आपका पहला टिकिया है वो धक्का लगता 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 बहुत आगे पहुंच जाएगा? अब क्या इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ बेटा, अब क्या इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? इट इज जस्ट लाइक साबुन की टिकिया का प्रोडक्शन और समथिंग लाइक अ चेन। ये पूरा चेन है, ये पूरा चेन ऑफ ईएच है, ये पूरा चेन है, ये पूरा ऐसा चेन है जो आगे बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, क्या बात समझ पा रहे हो? कोई कुछ बोलेगा? क्या सबको समझ में आया? तो क्या अब ये मानते हो कि टाइम वेरिंग ई से एच जनरेट होना, सर इसको एक बार इक्वेशन से बताओ ना, इक्वेशन से इन द सेंस, देख मेरा वीडियो बंद कर रहा हूं, सपोज ये मेरे पास, ओके, तो सपोज ये मेरे पास इक्वेशन हो गया, किसका इक्वेशन हो गया, ई का इक्वेशन हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी, आई कैन कंसिडर नॉट जे ओमेगा नॉट टी, जो मैं लिख रहा हूं वही लिखता हूं, ई नॉट ई रेस टू जे
आई कैन से ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और ये ए एक्स कैप, राइट शर्मा? और जो एच होता है वो एच क्या होता है, एच होता है हमारा आई कैन से एच नॉट ई रेस टू, अगर ई रेस टू नहीं ले रहे हैं कोई रियल सिग्नल ले रहे हैं जिसे जैसे कि कॉस या साइन, तो यहाँ पे ले रहे हैं कॉस ऑफ आई कैन कंसिडर से ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और ये हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, राइट शर्मा? सो नाउ द थिंग इज मुझे बता ये जो है ना ई, एक तो वो स्पेस का भी फंक्शन है बिकॉज यहां से मैं बताऊंगा आपको बीटा जेड का मतलब क्या होता है, ये स्पेस में आगे बढ़ रहा है, मगर साथ साथ क्या ये टाइम का फंक्शन है? हाँ ये टाइम का भी फंक्शन है, तो जब तू इसको डिफ्रेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे बता क्या वहां से तेरे को एच नहीं मिलेगा, स्पेस वेरिंग एच, जैसे कि हम करते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्साइलॉन डी ई अपॉन डी टी, जब ये करेंगे तो शर्मा क्या इससे हमको एच नहीं मिलेगा? हाँ मगर जो एच होगा वो एच क्या होगा, एच क्या होगा, एच तेरा स्पेस वेरिंग होगा, राइट? एच तेरा स्पेस वेरिंग होगा, हाँ हाँ बोल सर। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसे जेड आ रहा है तो मतलब जो एच का जेड वाला कंपोनेंट है बीटा जेड वो इसकी वजह से आ रहा है। एक्स का जेड कंपोनेंट यानी मतलब एच में जो हमने माइनस बीटा जेड लिखा है मतलब उसका एक पैरामीटर ओमेगा टी के लिए बता रहा है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है और माइनस बीटा जेड भी बता रहा है कि वो फील्ड के साथ वेरी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो फील्ड की वजह से उसका बीटा जेड आ रहा है, स्पेस की वजह से बीटा जेड आ रहा है। हाँ सो यहां पे भी देख रहा है तो देख एच उसका चेंज ये दोनों के परपेंडिकुलर में जनरेट होगा क्या तेरा नया वाला वेव यानी कि जेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एच देख रहा है। हाँ आई कैन कंसीडर जिस डायरेक्शन में एच है यहाँ पे और इसमें नहीं जाते हैं भाई, मगर मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग है, अगर वो टाइम का फंक्शन है उसको उसका जो चेंज है वो हमको डेल क्रॉस एच देगा विच मीन्स स्पेस वेरिंग, स्पेस में आगे बढ़ता हुआ मेरा मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। यहाँ भी अगर हम बात कर रहे हैं एच के बारे में तो हमें क्या पता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एच अपॉन डी टी, ये भी पता है हमको, तो यहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड को जो स्पेस वेरिंग होगा, राइट शर्मा? अच्छा तो ये पूरा का पूरा चल रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट मैक्सवेल के इक्वेशंस जो उसने दिए थे और जो हमने टाइम वेरिंग फंक्शंस लिए थे उसके हिसाब से, बट ठीक है मैं मेरा जो मेन मकसद है समझाने का वो ये है कब से आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे ओनली वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज व्हाट कि आपका जिस मटेरियल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है आपका ई टू एच कन्वर्जन एंड एच टू ई कन्वर्जन, जिस मटेरियल में ये हो रहा है तो वो मटेरियल भी बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टर। हाँ हाँ ये बात समझ पा रहे हो, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं आपको। मुझे बताओ क्या हमारा जो कंडक्टर होता है उसके अंदर हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जो हमारा होता है रेजिस्टर, इन रेजिस्टर क्या हम बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि आई कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ वी एज वेल एज वी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ आई, दोनों अल्टीमेटली सेम ही चीज इंडिकेट कर रहा है ना कितना आपका पोटेंशियल ज्यादा है, राइट या रेजिस्टेंस कम है, वॉट एवर द थिंग इज वाइस वर्सा। यहां भी अगर हम बात कर रहे हैं देखिएगा आपका जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस आया है आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, तो मेरे को ये बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक इंपेडेंस के बारे में, तो सबसे पहला चीज तो जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस है इसका यूनिट क्या है। अच्छा मेरे को ये बताओ जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस आया है क्या वो रियल आया है या रियल प्लस इमेजिनरी भी आया है, जो फ्री स्पेस के लिए हमने कल निकाला था हमारा इंट्रिंसिक इंपेडेंस, ये हमारा रियल आया है या फिर कॉम्प्लेक्स आया है? ये रियल आया है, इसका मतलब क्या है ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टर, ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टर, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जब ई से एच में कन्वर्ट होगा या एच से ई में कन्वर्ट होगा तो मीडियम जो है खुद कुछ लॉस करेगा। ओ तेरी सर, फिर से बताओ क्या बोले आप, फिर से बताओ
मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात सुन, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरी बात सुन, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि EH वेव जो है अगर वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगा, अगर EH वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगा तो क्या वो अटेन्यूएट होगा, हाँ या ना? नहीं, वो अटेन्यूएट क्यों नहीं होगा? बिकॉज अल्फा जीरो है ना, फ्री स्पेस के अंदर अल्फा जीरो है। अल्फा जीरो होने का मतलब यह है कि आपका वेव अगर उस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो अटेन्यूएट नहीं करेगा। बट नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं अभिषेक। बट मेरे को ये बताओ कि अगर आपने कोई वेव ट्रांसमिट किया है तो क्या वो प्रोपोगेट करेगा फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस? क्या ये ट्रू है? हाँ, क्या ये ट्रू है? अगर आपने FM सिग्नल को यहां से जनरेट किया तो FM सिग्नल, एक ही FM सिग्नल पूरी दुनिया में सुनाई देगा। हाँ, जहां पे दुनिया नहीं है वहां भी सुनाई देगा, वो जो एलियन बैठे हैं उनको भी सुनाई दे रहा है, ढिंचा 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 का, ऐसा होता है क्या? हाँ, ये आपका मोबाइल का सिग्नल, आप भी बोलते हो ना सर ये जगह पे ना सिग्नल आ रहा है, सर वो कोने में ना नहीं आ रहा है, तो ऐसा काहे हो रहा है? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि आपका जो EH वेव है, ये EH वेव में अंदरूनी कन्वर्जन हो रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो? EH वेव में जब वो प्रपोगेट हो रहा है तो वो अंदरूनी कन्वर्जन हो रहा है, ई टू एच, एच टू ई, ई टू एच, एच टू ई, कंटिन्यूसली ये ई टू एच एंड एच टू ई कन्वर्जन हो रहा है। और जब ये कन्वर्जन हो रहा है ई टू एच एंड एच टू ई, तो जो आपका फ्री स्पेस है इट इज बिहेविंग एज अ डाटा, इट इज बिहेविंग एज एन रेजिस्टर, और वहां पे लॉस हो रहा है। जो ई टू एच कन्वर्जन हो रहा है और एच टू ई कन्वर्जन हो रहा है ना, वहां पे लॉस हो रहा है, बिकॉज योर फ्री स्पेस इज बिहेविंग एज अ रेजिस्टर ऑफ अ 377 ओम। इससे क्या होगा? आपका 100% जो आपका E है, जो टाइम वेरिंग है ना, वो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू H। जो आपका 100% H में जो टाइम वेरिएशन हो रहा है, इट वोंट बी कन्वर्टेड इनटू E। क्या बात समझ रहे हो? बहुत ही भारी चीज है ये, फीलिंग ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। नाम इसीलिए दिया है उसको इम्पीडेंस, बिकॉज वो बिहेव कर रहा है एज एन इम्पीडेंस। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ, बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन your wave cannot propagate for infinite amount of distance. After some time वो मरने ही वाला है, मरने वाला है। In the sense मैं ये बोलूँगा कि उसका power कम होगा, as it travels longer उसका power कम होगा, but ऐसा नहीं कि वो exponentially मरेगा। क्या वो exponentially मरेगा? फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या वो exponentially मरेगा? वो exponentially नहीं मरेगा। सारा exponentially मरना यानी क्या होगा पता है? सपूक, वो travel ही नहीं कर पाएगा। और क्या यहाँ पे हमारा वेव जो है वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगा? हाँ, वो ट्रैवल करेगा, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन इन एफिशिएंसी। क्या होता है? वो लॉस करेगा और आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम वीकर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस है इसका मतलब समझ पा रहे हो? अच्छा चलिए, अगर समझ पा रहे हो तो इसको कौन समझाएगा वापस से? सबको, वैष्णवी सबको समझाओ कि मैंने क्या बताया। यस सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग ने देखा कि ई और एच जो है वो रिलेशन में है, जिससे अगर ई टाइम वेरिंग रहेगा तो जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो स्पेस वेरिंग प्रोड्यूस होगा, और वाइस वर्सा मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो स्पेस वेरिंग रहेगा। और लोग जानते हैं कि फ्री स्पेस में जो अटेन्यूएशन रहता है वो जीरो रहता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा इन टाइम तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो स्पेस में आगे बढ़ेगा, और सर उसकी वजह से
ये जो कन्वर्जन है, ये e टू h एंड h टू e जो कन्वर्जन है, क्या ये लॉसी है? लॉसी है, मगर ये जो लॉस है, ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? मटेरियल, मतलब जिसमें ये ट्रैवल करता है। एग्जैक्टली, इन दिस केस इट इज अ फ्री स्पेस, राइट? इन दिस केस इट इज अ फ्री स्पेस। तो जब आपका फ्री स्पेस में आपका ईएच व्यू ट्रैवल करेगा तो क्या क्या एडवांटेज है? अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है क्या क्या एडवांटेज है, तो क्या आप क्या बोलोगे? सबसे पहला एडवांटेज क्या है? अटेंशन जीरो। दूसरा स्पीड, लाइट का स्पीड, लाइट का स्पीड, राइट? ये दो उसके सबसे बड़े मेजर एडवांटेज है। व्हाट इज डिसएडवांटेज? सर लॉसी है। लॉसी यानी कि आपका जो फ्री स्पेस है वो बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टर। बोलिए, क्या सबको ये बात समझ में आई है? जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, इसका कंसेप्ट अब सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज थी जो समझनी थी। क्या ये समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, चलिए, अगर समझ पा रहे हैं तो लिखते हैं इसके बारे में। लिखिए, चलिए, अबाउट द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। अभिषेक लेंगे, ऑब्वियसली इट इज अनअवॉइडेबल। हाउ कैन यू अवॉइड दिस? यू कांट अवॉइड दिस, राइट? इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो अभिषेक यू कैन नॉट इग्नोर दैट। ठीक, चलिए लिखिए। When we consider a wave which propagates in a free space, we have derived that intrinsic impedance offered by free space is a 377 ohm. Offered by free space is a 377 ohm, which means when an EH wave travels from a free space, free space behaves as resistor of 377 ohm. Free space behaves as resistor of 377 ohm. Next point, intrinsic impedance indicates how effectively time varying electrical field generates space varying magnetic field
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। resistive nature of free space, resistive nature of a free space indicates that when EH wave is propagating in a free space, conversion from E to H and vice versa is lossy, which makes EH wave weak, after traveling long distance. चलिए, क्लियर है ये बात? हाँ, ये आपको इंफॉर्मेशन मिला कि आपको ये समझ में आया ना, ये कन्वर्जन जो होगा ये आपका लॉसी होगा, और लॉन्ग रन में वो क्या करेगा, लॉन्ग रन में ये आपके वेव को ही हिट करेगा, राइट? चलिए, तो अब देखते हैं हमारा एक छोटा सा टॉपिक बिफोर गोइंग फॉर क्वेश्चंस, वेव प्रोपगेशन इन अ डाइइलेक्ट्रिक। अब जब मैं बात करूंगा अबाउट अ डाइइलेक्ट्रिक, तो चलिए बताइए फॉर डाइइलेक्ट्रिक सिग्मा क्या होगा। मुझे हर बार यही चीज देखना है कि वेव का जो सिग्मा, जो गामा और एफिशिएंसी है वो क्या हो रहा है। चलिए बताइए सिग्मा क्या होगा फॉर डाइइलेक्ट्रिक। लकड़ा वकड़ा जो है वो आपका डाइइलेक्ट्रिक है, तो डाइइलेक्ट्रिक का जो कंडक्टिविटी है वो कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगा बेटा। जो एप्सिलॉन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और जो म्यू है ये म्यू क्या हो जाएगा साहब, म्यू भी हो जाएगा हमारा म्यू है म्यू नॉट म्यू आर। बोलिए क्या हम ये बोल सकते हैं? अरे बताओ, ये तीन चार लाइन का थ्योरी है, अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ क्या हम लोग यहां से आ सकते हैं गामा पे। हमारा पहला पैरामीटर बताइए गामा क्या हो जाएगा। सर गामा होता है अल्फा प्लस जे बीटा। बोलिए क्या यहाँ पे आप निकाल पाओगे गामा, गामा क्या हो जाएगा? सर गामा हो जाएगा रूट ऑफ, सबको निकालना आप तो आना ही चाहिए, ये हो जाएगा हमारा सर जे ओमेगा म्यू, और साथ में ये होगा हमारा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, बराबर? हाँ सर। चलो सब चीजें यहाँ पे डाल के देखो, तो आई फील अभी जो आपका नया आने वाला है वो होगा आपका जे ओमेगा रूट ऑफ, बोलिए क्या होगा रूट ऑफ, क्या ये होगा म्यू नॉट म्यू आर, क्या ये होगा म्यू नॉट म्यू आर, और ये होगा मेरा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। देख लो सब लोग एक बार देख लो क्या मैंने सही लिखा है। बिल्कुल 100% सही लिखा है। तो मुझे बताइए जब आपका वेव ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम अ डाई इलेक्ट्रिक, तो वहां पे उसका अल्फा क्या हो जाएगा अगर आप कंपेयर कर रहे हो। हाँ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा। बेटा कोई भी ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूं अल्फा और बीटा को? हाँ, कोई भी ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं? आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, मैं कंपेयर ही कर रहा हूं ऑन बोथ द साइड्स। बोलिए क्या ये क्लियर है?
हाँ बेटा, जो पहला हमारा एक्सप्रेशन आया है फॉर डाई इलेक्ट्रिक, क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर है तो इसके बाद बताइए हम किसके लिए बात करेंगे, इसके बाद बताइए हम किसके लिए बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारा सेकंड पैरामीटर जो है क्या, इंट्रिंसिक इंपीडेंस। तो बताइए इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू ई बाई एच। अब बोलिए जब हम यहाँ पे ई बाई एच की बात कर रहे हैं तो क्या होने वाला है ई बाई एच, हाँ बताओ क्या वो हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं तो क्या ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ, क्या ये हो जाएगा मेरा रूट ऑफ क्या, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्साइलॉन नॉट एप्साइलॉन आर। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 120 पाई इंटू रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्साइलॉन आर। देखो बेटा देखो, मेरे को तो ये सब याद है, आप लोग एक बार ये प्रूव करो कि क्या सबका ये आ रहा है एंड रिजल्ट, और क्या ये रटना है, मैं तो बोलेगा भाई बिल्कुल भी रटना नहीं है, ये सब आप लोग ना एक बार याद रख लो कि हाँ सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था फ्री स्पेस के लिए कंडक्टिविटी जीरो होता है और म्यू होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका डाइइलेक्ट्रिक है तो वहां सिग्मा जीरो हो जाएगा मगर बाकी का चीज जो है वो ऐसा रहेगा, राइट। अब यहां से अगर थर्ड की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए हम बात करेंगे अबाउट द फेज वेलोसिटी। बोलिए वो कितना हो जाएगा फेज वेलोसिटी, जो फेज वेलोसिटी है ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा बताओ ओमेगा डिवाइड बाय बीटा। तो क्या ये हो जाएगा आपका वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या, म्यू नॉट एप्साइलोन नॉट म्यू आर एप्साइलोन आर। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या ये होने वाला है आपका सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्साइलोन आर। बेटा कुछ भी रटने वाला है यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो रटोगे आप लोग, हाँ रटना एक भी इक्वेशन नहीं है, एक दो बार खुद से घर पे अकेले बैठे हो तो लिखो, आपको ये याद रह जाएंगे। गामा का इक्वेशन वही का वही है, ईटा का इक्वेशन वही का वही है, मैं उसी में डाल रहा हूं, समझ रहे हो ना, जो ईटा का इक्वेशन है रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन, मैंने उसी में डाला है ये सब चीजें, हाँ क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग। अच्छा, अगर ये सब लोग बात समझ पा रहे हो तो चलिए मैं आपको एक केस दे रहा हूं जो स्पेसिफिक केस है। चलिए मुझे बताइएगा ये कौन सा मटेरियल है, सिग्मा जीरो है, उसका एप्सिलॉन जो है वो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और जो उसका म्यू है वो म्यू है और उसका म्यू नॉट। तो ये कौन सा मटेरियल है बेटा, क्या ये फ्री स्पेस है नहीं, क्या ये कंडक्टर है नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर ये भी डाइइलेक्ट्रिक है। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो, ये भी डाइइलेक्ट्रिक है मगर ये जो डाइइलेक्ट्रिक है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो तो फ्री स्पेस जैसा ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, हाँ बेटा इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बेटा ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सबसे अगेन पूछ रहा हूं, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो, हाँ तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाएगा जहां पे जो मटेरियल है ना उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्री स्पेस जैसा है। तो बताइए क्या यहां पे ये तीनों पैरामीटर निकाल पाओगे आप, फॉर ये वाला केस ये तीनों पैरामीटर जो है गामा ईटा एंड उसका वेलोसिटी ये निकाल पाओगे, हाँ चलिए निकाल पा रहे हो तो निकालो और मुझे बताओ कि क्या होगा, आई वेट फॉर योर आंसर्स। हम पहले बात करेंगे अबाउट गामा, उसके बाद करेंगे ईटा,
बस यहाँ से मुझे कुछ कुछ कमेंट करना है, इसलिए ये केस लिया है मैंने, और कुछ नहीं है। और फिर बात करेंगे अबाउट दी फेस वेलोसिटी। ओके गुड गुड गुड। हाँ शर्मा, आराम से शर्मा, आंसर मत लिखो, इफ यू आर डन जस्ट पुट डन ओवर हियर। और किसको लगता है कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं इसके? कोई है जिसको लगता है कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं इसके? हाँ बेटा, कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं? जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो ढंग से लिखा है आपने? अच्छा पृथ्वीराज, ये उसको नहीं लगता है मगर ये हर्षित को लगता है, हर्षित को बहुत लगता है। हाँ इज देयर एनीवन? जनरली बहुत प्रेम है देवेंद्र, बहुत प्रेम है। जनरली आई फील लड़कियां लोग ना अच्छी नोट्स बनाती है। मेरी बैच में एटलीस्ट वैसा था। ए चलो रे बनाओ तो ये। चलिए हुआ क्या? हाँ चलिए सूची अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या हुआ गामा आपका? यस सर। हाँ बोलिए। सो गामा इज इक्वल टू जे ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो गया आपका क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो बोलिए यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। और बीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बराबर है, गुड गुड गुड। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ईटा क्या हुआ? रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ 120 पाई? क्या मैं उसको बोल सकता हूँ 120 पाई अपॉन व्हाट रूट ऑफ एप्सिलॉन आर? यस। बोलिए बाकी सब लोग भी, क्या ये बात से सहमत हो रहे हो? तो जो आपका डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक में जो इम्पीडेंस, जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होगा वो फ्री स्पेस के कंपेयर में क्या होगा, कम या ज्यादा? एप्सिलॉन आर ऑलवेज क्या होता है? एप्सिलॉन आर ऑलवेज मोर देन वन होता है। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। एप्सिलॉन आर जो होता है ये ऑलवेज मोर देन वन होता है। तो जब आप बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में इन एनी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक अदर देन आपका फ्री स्पेस, तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, आपका जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस है वो कम होगा, राइट? यानी लॉस कम होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि कन्वर्जन में लॉस कम होगा, राइट? और वीपी क्या हुआ सूची? फेज वेलोसिटी ओमेगा डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर म्यू। तो मुझे बताओ क्या लगता है आपको, उसका स्पीड कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम होगा बाय द फैक्टर ऑफ व्हाट? बहुत सही सूची। अब इसका स्पीड हो जाएगा c अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ देखो यहां कुछ भी रटना है नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जहां पे क्या होगा, एक एडवांटेज होगा वो ये होगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू फ्री स्पेस। इसको ऐसा मत समझना कि ये कौन सा रेजिस्टेंस है वो हमारा रियल वाला, नहीं भाई मैं तो मॉडल कर रहा हूं मेरे डाइलेक्ट्रिक को एज अ रेजिस्टर, जो वो ऑफर कर रहा है वेव को या वेव के कन्वर्जन को। और जो फेज वेलोसिटी है वो आपका कम हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 1 बाय रूट एप्सिलॉन आर। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ठीक है चलिए।
एग्जाम्पल्स आज नहीं करते हैं बिकॉज आई थॉट के एग्जाम्पल्स कर पाएंगे आज, बट यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं कल के लिए ही छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, तो ये सब पूरा जो थ्योरी है ये आपको पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए, वो फ्री स्पेस है या नहीं है और वो क्या है। ठीक, तो मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूँ, आज और मे बी जब हम मिलेंगे तब, मे बी संडे को मिलेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो जब संडे को मिलेंगे तो मैं आपको कल का टाइम छुट्टी दे रहा हूँ आपको एक दिन, इसको रिकॉल करने के लिए, ये सब समझने के लिए, संडे मिलेंगे तब ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अभी हम जल्दी, मैं जल्दी जाने दे रहा हूँ आपको, आज जल्दी ख़त्म करते हैं, मगर मेरे को बताओ कि जो हमने पढ़ा क्या समझ में आया आपको, वेव का वेलोसिटी क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए, एज ए डॉक्टर जो वो मटेरियल चेंज करता है, तो आप ये बोलोगे सर कंडक्टर कहाँ पे है, बेटा आएगा ना, मैं पढ़ाऊंगा, जब आपका वेव पास होगा थ्रू अ कंडक्टर मैं आपको दिखाऊंगा, मगर जो कहानी अब तक हुआ है क्या ये बात समझ पा रहे हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इसी के अंदर होते हैं, अगर वेव आपका ट्रांसमिट हो रहा है इन अ फ्री स्पेस और अगर आपका वेव ट्रांसमिट हो रहा है इन टू अ डाईइलेक्ट्रिक, बिकॉज वेव का कहानी इन अ कंडक्टर हो जाएगा जीरो, हम लोग इन अ कंडक्टर कभी भी वेव की बात करेंगे ही नहीं, वहां बात होती है वोल्टेज और करंट की, बराबर। तो वेव का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपका आइदर फ्री स्पेस होगा या तो फिर डाईइलेक्ट्रिक होगा, मगर इन दोनों के अंदर जो मटेरियल के अंदर चेंजेस हो रहा है वेव की प्रॉपर्टी का, क्या वो समझ पा रहे हो, हाँ, वेव की प्रॉपर्टी के अंदर उसका जो भी प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू वेव, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जहां वो चेंजेस हो रहे हैं इन वेव का प्रोपोगेशन, इन वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर, क्या समझ पा रहे हो, उसका वेलोसिटी कैसे, क्या कम होगा क्या ज्यादा होगा, जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस वो ऑफर कर रहा है वो कैसे कम या ज्यादा होगा, क्या ये सब बात समझ पा रहे हो, हाँ। चलिए, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो आई एंड दिस सेशन ओवर हियर, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ओवर हियर और विल मीट ऑन संडे डायरेक्टली, राइट, बट इसको ढंग से रिकॉल करके आइएगा, राइट right? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किसी के पास अगर लगता है कि अच्छे नोट्स आपने बनाए हैं तो काइंडली मुझे फॉरवर्ड कीजिए ये वेव वाले चैप्टर के, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट टू एवरीवन, हाँ, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने नोट्स थोड़े बहुत भी हैंड राइटिंग विजिबल है, रीडेबल है, तो काइंडली उसके नोट्स शेयर कीजिए, आपके नोट्स शेयर कीजिए, हाँ। पृथ्वीराज कर देगा। ओके ओके, चलिए, कोई डाउट है, आई एम हियर और वी कैन एंड दिस मीटिंग, सी या, बाय।